आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ बिमरेश कुमार। इस वक्त जो है जनपद बलिया में है और जनपद बलिया का जो है नगर पालिका रसड़ा में और ख़ासतौर से जो है इस समय चुनावी माहौल जो है बिल्कुल जो है जोर शोर से सभी लोग अपने अखाड़े में लगे हैं। जहां तक देखा जाए तो आज चर्चा का विषय यह बना है कि रसड़ा में कई वर्षों से जो है लगातार जो है चेयरमैन पद से विराजमान है और कहीं ना कहीं जनता के उन प्रयासों से और जनता के कहीं ना कहीं एक प्यार स्नेह से जो है इनका बरकरार जो है सीट कायम है। आइए इस माहौल में जानते हैं कि 2023 में आखिरकार जनता के बीच किन मुद्दों के साथ अखाड़े में उतरे। सबसे पहले सर वी न्यूज इंडिया में स्वागत है। धन्यवाद आपको। मैं वशिष्ठ नारायण सोनी, न्यू वर्तमान अध्यक्ष आदर्श नगर पालिका परिषद रसड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि जनता का स्नेह प्यार और आशीर्वाद मुझे हमेशा बराबर मिलता रहता है। मैं अपने कर्म के बल पर वोट मांगता हूँ। रसड़ा स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित रहे, इसी उद्देश्य के साथ मैं नगर का विकास किया हूं और नगर को पूरे प्रदेश में गौरवान्वित करने का मैं प्रयास किया हूं और इसीलिए नगर पालिका रसड़ा को आदर्श नगर पालिका परिषद रसड़ा का दर्जा प्राप्त हुआ। आज लोग कई ज़िलों में हमारे बैनर पोस्टर लगाकर वोट मांगते हैं कि मुझे जिताइए, मैं रसड़ा ऐसा कार्य कराऊँगा। रसड़ा हमेशा आधुनिकरण तरीके से जो है सजाने का मैं काम किया हूँ, चूँकि इस समय जो है टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई फाई हो गई है, उस दृष्टि से पूरा नगर पालिका को संवारने का मेरा सपना है, जैसा कि मेरा मैनिफेस्टो है। और मैं इसी बात के साथ पुनः नगरवासियों से अपील करता हूं कि आपका स्नेह प्यार हमेशा की तरह मुझे भी मिलेगा और मैं भारी मतों से विजयी होंगे। धन्यवाद। मैं और मेरी धर्मपत्नी मोती राजी सोनी 5 बार चुनाव जीत चुके हैं, 6वीं बार आप सबके बीच में आया हूँ और आशा ने पूरा विश्वास है कि आपका स्नेह प्यार मुझे मिलेगा और पुनः भारतीय जनता पार्टी का कमल रसड़ा में खिलेगा। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा सा एक सवाल मैं करना चाहूँगा, जनता के बीच में रहे हैं, जनता के तमाम समस्याओं का निवारण आप किए होंगे, लेकिन क्या लगा कि अभी कुछ ऐसी समस्या है जो अभी कायम है उनका निवारण करना है, जो मुख्य आप उस पर फोकस करते हो? देखिए, आज विपक्षी वोट मांग रहे हैं जी, उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया, विकास के संबंध में कोई उनकी द्वारा टिप्पणी नहीं की जा रही है। बस जब चुनाव आता है तो भ्रष्टाचार की मुद्दा उठाने लगते हैं, लेकिन जब पक्ष विपक्ष कोई भी व्यक्ति रसड़ा में कोई कह नहीं सकता है कि चेयरमैन साहब किसी कार्य के लिए, किसी खारिदा की नक्शा या किसी कार्य के लिए मैं किसी जनता से 1 रुपया लिया हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं यहाँ की जनता का मुख्य समस्या जो है ये बड़े नाले को जो है नए ढंग से जो है उसको सीवरेज सिस्टम प्रणाली से जो है उसको विकसित करना है, रसड़ा की यही मुख्य समस्या है। रसड़ा में जो है आबादी बढ़ने के कारण ओवर एंड टैंक की स्थापना करना है, तमाम शौचालय वगैरह सार्वजनिक शौचालय मंत्रालय का भी मेरा जो है ये प्रोजेक्ट है और शासन दृढ़ संकल्पित है उत्तर प्रदेश शासन भारतीय जनता पार्टी का कि अगर रसड़ा में जो है कोई भी व्यक्ति अगर छूटा है आवास से तो कोई भी आवास से वंचित नहीं रह जाएगा, हर घर को जल का कनेक्शन दिया जाएगा। ये तमाम मूलभूत सुविधाएं जो है नगर को जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने के लिए कृत संकल्पित है। यानी कि 2023 में जिस तरह से अगर जनता आपको साथ देती है, लगातार तो विगत वर्षों से दे ही रही है, तो क्या लगता है कि जो नालों से अभी कुछ समस्या चली आ रही है वो सुदृढ़ तरीके से जो है समाधान हो पाए? एकदम नाला की समस्या बहुत हद तक मैं ठीक कर दिया हूँ और जो शेष बचा है वो भी एकदम सही हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ही दिन रहेगा, यहाँ बसपा का कोई औचित्य नहीं है, मात्र उत्तर प्रदेश में एक ही बसपा का विधायक है और इन्होंने एक प्रत्याशी बनाया है उसके बारे में मैं विशेष टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि अगर उनसे कह दिया जाए कोखा कोखा लिख दे तो लिखना नहीं आएगा। आप देख रहे हैं हर नुक्कड़ सभा में सिर्फ माननीय विधायक जी बोल रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा है, तो मैं जनता से अपील करूँगा कि यहाँ की बुद्धिजीवी जनता है, सोच समझ कर मुझे मतदान करेगी और मेरा पूरा विश्वास है। सर, जो आपके वोटर हैं रसड़ा नगर निकाय चुनाव के, जितने भी आपके क्षेत्र में आते हैं यहाँ पर वार्ड नंबर वाइज, और कहीं ना कहीं जो आपके रीढ़ के हड्डी जो कहा जाए कार्यकर्ता जो बने हुए हैं यहाँ पर, आपके कार्यालय पर तमाम लोग बैठे हैं, उनसे भी थोड़ा सवाल जब हम करेंगे तो उनको हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संकेत करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जो चुनाव चल रहा है? भाई, जनता का हित सर्वोपरि है, जनता का मूलभूत सुविधाओं को ही जो है दूर करना हम लोगों का कर्तव्य होता है और उसी उद्देश्य से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर सभी दल पार्टी के कार्यकर्ता जो है जो हमारे साथ लगे हुए हैं। मैं सेकुलर विचारधारा का व्यक्ति हूँ और सांप्रदायिक एकता में विश्वास रखता हूँ। यहाँ जब भी मैं चुनाव लड़ा सभी जात धर्मों को एक साथ लेकर चुनाव लड़ने
लड़ा हूँ। हमारे साथ मुस्लिम भाई भी हमारे साथ हमको बहुत संख्यक मात्रा में मत देते हैं। मैं सभी जात धर्म का मत प्राप्त करता हूं। 2023 का जो ये चुनाव चल रहा है, इसमें जो है अखाड़े में देखा जाए तो चुनाव मैदान में टक्कर की चुनाव है रसड़ा में, या फिर टक्कर की कोई टक्कर का चुनाव नहीं है। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सोच समझ कर पात्रता के दृष्टि से देखते हुए अपना मतदान करेगी। क्या लगता है कि बहुत जो है संख्या में देखा जाता है हर एक नगर निकाय में 4-5 जो है प्रत्याशी खड़े हैं, लेकिन ये जो है रसड़ा में बहुत कम है? नहीं, यहाँ 4-5 प्रत्याशी हैं खड़े जरूर से, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूँ और निश्चित रूप से जनता हमें प्यार स्नेह देगी। जय हिंद।